ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू यार, तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, न जाने ही ऐसे कितने हिट देने वाले सबके चहीते। हनी सिंह एक बार फिर कुछ नए अंदाज में वापसी कर रहे हैं। जी हाँ, एक बिग हिट एल्बम के साथ हनी सिंह फिर से एंट्री कर रहे हैं। हनी सिंह के फैंस तो खुशी से पागल हो रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनकी नई एल्बम का, जिसमें से एक गाना नागन रिलीज हो चुका है। हनी सिंह ने हाल ही में दिए कुछ इंटरव्यू में अपनी एल्बम के बारे में बात करते हुए अपनी जिंदगी के भी कई राज खोल दिए हैं, जिसे जानने के लिए उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हनी सिंह ने बताया वो पिछले 7 साल से बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहे थे और उन्हें 7 डॉक्टर्स चेंज करने पड़े ठीक होने के लिए। जी हाँ, आपको बता दें हनी सिंह को लग्जूरियस कार्स का भी काफी शौक था, लेकिन अपनी बीमारी के चलते उन्होंने अपनी सारी कार्स को बेच दिया था क्योंकि उन्हें ड्राइविंग करना अलाउड नहीं था। इसके साथ ही हनी ने माफिया मुंजीर के बारे में भी पहली बार बात करते हुए कुछ खास बताया। एक प्लेटफॉर्म बनाया था मैंने, कोई बैंड नहीं बनाया। ओके। माफिया मुंडीर में जो बाकी लड़के जुड़े वो सब दिल्ली से जुड़े, पंजाब से नहीं जुड़े, लोग सब आर्टिस्ट थे। एक मुंडीर का मतलब होता है बंच ऑफ बॉयज। कई आर्टिस्ट क्लेम करते हैं कि हमने माफिया मुंडीर बनाई, हम माफिया मुंडीर है। माफिया मुंडीर का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था और माफिया का सबसे इंस्पायर्ड प्रिंसिपल क्या है, जिस वजह से मैंने ये नाम रखा, विच इज रिस्पेक्ट योर हायरार्की। अगर तुम कह रहे हो तुम माफिया मुंडीर थे तो तुम हायरार्की के प्रोटोकॉल को तो पकड़ो। हनी सिंह के बोल्ड अंदाज के तो सभी दीवाने हैं। इसी पर हनी ने वॉल्यूम 1 जैसे गानों पे अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि उन्होंने ये गाने नहीं गाए, लेकिन उन पर फिर भी केस कर दिए गए। हनी ने पुराने गानों के गलत और खराब लिरिक्स के बारे में भी कहा कि सिर्फ उनके ही गानों को क्यों गलत लिया जाता है, और द लेजेंड सिद्धू मूसेवाला के भी तारीफ करते हुए कहा कि उनके जैसा ना कोई था और ना कोई होगा, जिन्होंने दुनिया हिलाकर रख दी और अपने हिंदुस्तानी होने का गर्व दिखाया। खैर, हनी सिंह ने पहली बार खुलकर अपने दिल की बातें सारे फैंस के सामने रख दी हैं, और फैंस के प्यार से तो ऐसा ही लगता है कि हनी सिंह 7 साल बाद क्या 20 साल बाद भी कमबैक करें तो उनका स्टारडम कभी कम नहीं होगा। आपको हनी सिंह के दिल की बात जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हीलियम ऑफिशियल।